Hello students, how are you? I hope you all are good. So students, today we are going to discuss a new story, Nasruddin's aim. Nasruddin's aim, Nasruddin ka nishana. To aaiye start karte hain. One day Nasruddin was chatting with his friends. He began to boast, "No one can match my skill in archery." To क्या हुआ बच्चों, एक दिन की बात है, नशरुद्दीन वॉज चैटिंग विद हिज फ्रेंड। नशरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहा था, गप्पे लड़ा रहा था। ही बिगेन टू बोस्ट, और तभी वो क्या करने लग गया, बोस्ट। बोस्ट मीन्स बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी फेंकना, डिंगे हाँकना। तो वह बड़ी बड़ी बातें करने लगा। उसने कहा, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी, कोई भी धनुर्विद्या में, निशानेबाजी में, तीरंदाजी में मेरे जितना कुशल नहीं हो सकता। उसने कहा कि तीर चलाने में कोई भी मेरे जितना कुशल नहीं हो सकता। आई स्ट्रिंग द बो, टेक एन एम एंड शॉट एन एरो, वुश, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट। तो क्या कहते हैं, नशरुद्दीन बोलता है, आई स्ट्रिंग द बो। बच्चों स्ट्रिंग मीन्स वैसे तो धागा भी होता है, धनुष की डोर भी होती है, बट यहाँ पे स्ट्रिंग का मीनिंग है धनुष के ऊपर बाण चढ़ाना, ठीक है, तीर को कमान के ऊपर रखना, धनुष के ऊपर रखना। आई स्ट्रिंग द बो, मैं धनुष को के ऊपर बाण चढ़ाता हूँ, टेक एन एम, निशाना लगाता हूँ, एंड शॉट एन एरो, और तीर छोड़ देता हूँ, वुश, तीर जब जाता है आवाज आती है, द एरो इज श्योर टू हिट बैंग ऑन द टारगेट, और निशाना हमेशा सही जगह पे टकराता है, बाण जो है सही जगह पे, एरो जो है वो सही जगह पे लगता है, ऐसे बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल बीच में जो येलो पार्ट है वहाँ पे बाण लग गया, ठीक है। तो देखते हैं अब क्या, हियरिंग दिस, यह सुनकर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स इमिजिएटली ब्रॉट ए बो एंड सम एरोस। तो हियरिंग दिस, यह सुनकर वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से ही एक, इमिजिएटली एकदम से, ब्रोट ए बो, वो क्या लेके आया, बो लेके आया, धनुष लेके आया, एंड सम एरोस, और कुछ तीर ले आया। अब दोस्तों को तो पता होता है किसका निशाना सही है या नहीं है, तो दोस्त ने देखा, दोस्त ने सोचा कि ये फेंक रहा है बड़ी बड़ी, चलो मैं क्या लेके आता हूँ, अभी के अभी फैसला हो जाएगा, धनुष बाण ले आया। ये देखिए दोस्त उसका धनुष बाण ले आया। अब क्या हुआ, गिविंग देम टू नशरुद्दीन ही सेड, हेयर नशरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोस, देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए टारगेट ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शॉट एन एरो। तो क्या हुआ, गिविंग देम टू नशरुद्दीन, उसने नशरुद्दीन को धनुष और बाण दे दिए। ही सेड, उसने कहा, हेयर, यहाँ नशरुद्दीन, टेक दिस बो एंड एरोस, नशरुद्दीन जो है वो धनुष और बाण लेगा, देन पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए टारगेट, तभी उसने क्या किया, एक टारगेट की तरफ उंगली करी, ठीक है, टारगेट की तरफ पॉइंट किया, और क्या कहा कि ही सेड, एम एट दैट टारगेट, इस टारगेट पे निशाना लगाओ, एंड शॉट एन एरो, और तीर चला के दिखाओ। तो क्या हुआ अब आगे देखते हैं, नशरुद्दीन हेल्ड द बो इन हिज हैंड्स, स्ट्रंग इट, उसने उसके ऊपर बाण चढ़ाए, aimed at the target, टारगेट के ऊपर एम लगाया, निशाना लगाया, and shot an arrow, वू। तो यहाँ पे क्या हुआ, नशरुद्दीन held the bow, नशरुद्दीन ने धनुष को जैसे इस लड़के ने पकड़ा हुआ है वैसे ही धनुष को उसने अपने हाथों में पकड़ा, strung it, इसके ऊपर बाण चढ़ाया, aimed at the target, टारगेट पे निशाना लगा के, और तीर को छोड़ दिया, एरो को शॉट कर दिया। तो अब क्या हुआ देखते हैं, द एरो डिड नॉट हिट द टारगेट, क्योंकि नशरुद्दीन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था सिर्फ, ठीक है, तो एरो ने टारगेट को हिट नहीं किया, इंस्टेड फेल डाउन। तो एरो ने टारगेट को हिट तो नहीं किया, इंस्टेड उसकी बजाय, इंस्टेड मींस की बजाय, तो के स्थान पर, तो टारगेट को हिट करने के स्थान पर, इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल, एरो जो है बीच में ही कहीं पे, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, एरो जो है बीच में ही कहीं पे नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि नशरुद्दीन को निशाना लगाना तो आता ही नहीं था, वो तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ, हा हा हा,
His friends started laughing. उसके जो दोस्त थे वो क्या करने लग गए, हंसने लग गए. They said, उन्होंने कहा, Hey Nasruddin, is this your best aim? क्या यह तुम्हारा बेहतरीन निशाना है, क्या यही तुम्हारा best aim है? तो नसरुद्दीन आगे क्या कहता है, ये देखिए उसका फ्रेंड जो है धनुष की तीर की तरफ, एरो की तरफ हाथ करके हंस रहा है. इज दिस योर बेस्ट एम, क्या ये तुम्हारा यही बेस्ट बेहतरीन निशाना है? तो अब नसरुद्दीन को कोई बहाना बनाना पड़ेगा, तो अब वो बहाना बनाएंगे, देखते हैं. ओ नो, नॉट एट ऑल, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सेड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन ने कहा, नहीं, यह मेरा निशाना नहीं है. डिफेंडिंग हिमसेल्फ, अपने आप का बचाव करते हुए, क्योंकि वो फंस गया था सिचुएशन में. बच्चों अगर आप एक झूठ बोलोगे तो उसे डिफेंड करने के लिए आपको काफ़ी सारे झूठ बोलने पड़ते हैं, पड़ेंगे. तो ऐसे ही नसरुद्दीन ने शुरुआत में एक झूठ बोला और अब उसको डिफेंड कर रहा है. देखिए कैसे, डिफेंडिंग हिमसेल्फ. दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आजाद्स एम. यह मेरा निशाना नहीं था, यह तो आजाद का निशाना था. I just showed you how the Azad shot an arrow. मैंने तो तुम्हें यह दिखाया है कि आज़ाद कैसे निशाना लगाता है, आज़ाद कैसे तीर चलाता है. तो नसरुद्दीन ने बहाना बनाया कि यह मेरा निशाना नहीं था, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि अगर मेरी जगह आज़ाद निशाना लगाता तो वो कैसे चलाता तीर को. तो चलिए आगे देखते हैं, ये बहाने बना रहे हैं नसरुद्दीन जी. Saying this, Nasruddin picked up another arrow. ऐसा कहकर नसरुद्दीन ने एक और एरो उठा लिया. Once again, he strung the bow. उसने दोबारा से धनुष के ऊपर तीर को चढ़ाया, एरो को रखा. Aimed at the target and shot the arrow. उसने एरो शॉट कर दिया, एरो चला दिया. तो अब क्या हुआ? This time, arrow fell a little further than where it had fallen before. तो अब क्या हुआ, दिस टाइम, अब की बार, द एरो फेल अ लिटल फर्दर वेयर इट हैड फॉलन बिफोर. जहाँ तीर पहले गिरा था उससे थोड़ा सा आगे एरो जो है वो गिर गया, पर थोड़ा सा ही आगे गिरा है. बट इट सर्टेनली डिड नॉट हिट द टारगेट, परंतु निश्चित ही यह टारगेट पे नहीं पहुँचा. टारगेट पे लगने से पहले ही ये ऐसे फॉल हो गया, टारगेट पे तो नहीं गया ना. तो चलिए अब देखते हैं क्या होता है. दे आस्क नसरुद्दीन, नसरुद्दीन के जो दोस्त थे उन्होंने पूछा, एंड दिस मस्ट बी हाउ यू शॉट एन एरो. अच्छा, तो तुम ऐसे निशाना लगाते हो? ओ ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन. तो नसरुद्दीन बहस करने लगा, बिल्कुल भी नहीं. इवन दिस एम वॉज नॉट माइन, यह निशाना भी मेरा नहीं है. इट वॉज द चीफ गार्ड्स एम. तो ये तो किसका निशाना है, सेनापति का निशाना है, चीफ गार्ड का निशाना है, जो हमारा मुख्य रक्षक है उसका निशाना है, ये भी मेरा निशाना नहीं है. तो ऐसे तो झूठ बोलना पड़ रहा है नसरुद्दीन को बच्चों. तो अब देखते हैं क्या होता है. नाउ समबडी रिमार्क्ड, तो उन दोस्तों में से किसी ने कहा, वेल नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट. तो उसने कहा, अच्छा अच्छा ये तो ठीक है, तो अब हमें यही बता दो कि तुम्हारी लिस्ट में अगला कौन है, क्योंकि पहली बार उसने आज़ाद की बात करी थी कि ये तो आज़ाद का निशाना है, और सेकंड टाइम उसने किसकी बात बोल दी, सेनापति की. तो वो बहाने बनाए जा रहा था. तो एक दोस्त ने मजाक में कहा, नाउ हु इज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, लिस्ट में अगला कौन है. हियरिंग दिस ऑल द फ्रेंड्स ब्रश्ड आउट लाफिंग. तो ब्रश्ड आउट लाफिंग मतलब जोर जोर से हंस पड़ना. ब्रश्ड मीन्स क्या होता है बच्चों, विस्फोट, एक्सप्लोजन, फूटना. तो ऑल द फ्रेंड्स ब्रश्ड आउट लाफिंग, तो वो इतनी जोर से हंसे, बहुत जोर जोर से हंसने लग गए. ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं. नसरुद्दीन डिड नॉट से अ वर्ड, नसरुद्दीन ने एक भी शब्द नहीं बोला. ही क्वाइटली उसने चुपचाप पिक्ड अप वन मोर एरो, उसने एक और तीर लिया. एंड अगेन, एंड दिस टाइम उसने एक एरो अपने धनुष पे चढ़ाया और चला दिया. ठीक है बच्चों, एंड दिस टाइम, और अब की बार क्या हुआ, नसरुद्दीन वॉज रियली लकी, परंतु इस बार जो था नसरुद्दीन बहुत ही भाग्यशाली था. द एरो हिट बैंग ऑन द टारगेट, एरो जो है बिल्कुल सही निशाने पर लगा. एवरीबडी स्टेयर्ड एट नसरुद्दीन,
एरो जो है वो बिल्कुल सही निशाने पे लगा और हर एक जो व्यक्ति था वहाँ पे जो फ्रेंड्स थे स्टेयर्ड, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, बड़ी बड़ी आंखें करके देखना, देयर माउथ अगेप विद अमेजमेंट, उनका जो मुंह था, अगेप मीन्स होता है बच्चों खुला रह जाना, तो उनका जो मुंह था, उनके जो मुंह थे वो खुले रह गए इन अमेजमेंट, हैरानी से, हैरानी, हैरान हो गए सब, बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लग गए नसरुद्दीन को और उनके जो मुंह थे वो हैरानी में खुले के खुले रह गए, वो देखने लग गए कि नसरुद्दीन ने तो सही निशाना लगा दिया, ये देखिए सही टारगेट लगाया नसरुद्दीन ने। चलिए आगे देखते हैं, तो नसरुद्दीन क्या करता है, बिफोर एनीवन कुड से एनीथिंग, कोई कुछ कहता उससे पहले नसरुद्दीन सेड, नसरुद्दीन ने बोला, क्या है लिखा हुआ, ट्रायम्फली, ट्रायम्फली का मतलब होता है बच्चों विजयपूर्ण, विजयपूर्ण उत्साह के साथ वो बोला एकदम से, डिड यू सी दैट, क्या तुमने इसे देखा, इट वॉज माई एम, यह मेरा निशाना था। तो यहाँ पर इस स्टोरी में क्या था बच्चों, नसरुद्दीन जो था वो बड़ी बड़ी बातें करता था, उसने शुरुआत में एक झूठ बोला और उस झूठ को सही साबित करने के लिए उसे दो बार फिर से झूठ बोलना पड़ गया, थर्ड टाइम वो लकी था इसलिए निशाना लग गया, अगर थर्ड टाइम भी निशाना नहीं लगता तो उसे फिर से झूठ बोलना पड़ता। तो इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो उसे सेफ करने के लिए, उसे डिफेंड करने के लिए हमें कई बार झूठ बोलना पड़ता है। तो चलिए अब हम करेंगे न्यू वर्ड्स।